नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में सेट 2 348 सीरीज 2023 का अनसाल्व चल रहा था, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका था। आगे का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 के का से। तो आइए देखते हैं 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, जैव उर्वरक किस मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्या बढ़ जाती है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम है, कुछ शैवाल जैसे नाशटाक, एनाबीना आदि होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का खा। 4 का खा आपके सिलेबस में नहीं, जिसे देखिए मरुस्थलीय पौधों में जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद अलावा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्केरिस्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार पर संक्षिप्त लेख लिखिए या उल्लेख कीजिए। देखिए, एस्केरिस्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आंत का यह रोग एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड नामक निमेटेड द्वारा होता है। यह रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है। अब संक्रमण देखेंगे, कैसे इसका संक्रमण होता है। एस्केरिस के अंडे रोगी के आंत में उपस्थित होते हैं तथा मल त्याग के समय ये मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये मिट्टी, जल, पौधे व पालतू पशुओं के दूध को दूषित कर देता है और यह अंडे किसी माध्यम के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के आंत में पहुंच जाते हैं। लक्षण, घबराहट होने लगती है, भूख कम लगती है, दस्त भी होने लगता है, रोगी को नींद आने लगती है और शरीर सुस्त रहता है। आइए इसका रोकथाम एवं उपचार देखेंगे। उपचार, भोजन करने से पूर्व साबुन से हाथ धोना चाहिए, खाद्य पदार्थ को धोकर खाना चाहिए, जैसे फल है, सब्जियां हैं। रोकथाम देखेंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई इस रोग का सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। जिलेटिन कैप्सूल में बंद हेलिक्स रिसोसिनाल के क्रिस्टल देकर भी इसका रोकथाम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियावत के वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। यदि बिना निषेचन के ही मादा भ्रूण का निर्माण हो तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इससे बने अंडे आगुणित होते हैं। आगुणित का मतलब केवल हेप्लॉयड होते हैं, यन होते हैं, नहीं तो दोगुणित हो जाता, 2n हो जाते, जैसे आलू है, धतूरा है, आद है। चलिए आगे देखते हैं। द्विगुणित आगुणित क्रियाविद, मधुमक्खियों में बर व चींटियों में 3 प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 1 है द्विगुणित रानियां। ये पूर्ण विकसित द्विगुणित मादा जीव हैं जो निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। नंबर 2 द्विगुणित श्रमिक, ये भी निषेचित अंडों से विकसित द्विगुणित मादा हैं, किंतु इनमें जनन अंग नहीं होते हैं। तीसरा है आगुणित या नर, जिसे ड्रोन भी बोला जाता है। यह अनिषेक जनन द्वारा आगुणित या अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। यह सक्रिय नर जीव होते हैं। जैसे इनकी क्रियाविधि में देख लीजिए कि यहाँ पर 32 रानी, 32 क्यों लिखा गया, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 32 होती है। तो ये क्या होते हैं, हेप्लॉयड, यानी द्विगुणित होती हैं। जबकि ड्रोन में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ये क्या होते हैं, केवल हेप्लॉयड होते हैं, क्योंकि द्विगुणित जो रानियां होती है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मक बनते हैं तो आगुणित हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जब रानी मक्खी से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो श्रमिक मक्खी का निर्माण होता है, क्योंकि क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। जबकि रानी मक्खी का निर्माण इन्हीं विशेष के कारण द्विगुणित रानी भी होती हैं, लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बिना निषेचन के क्या होते हैं, अनिषेक जनन द्वारा क्या होता है, ड्रोन का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 का का, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग को लिखिए। देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना जीन मैनिपुलेशन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, नंबर 1 है मानव क्लोनिंग, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, मानव विकास हार्मोन्स, वैक्सीन, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी आदि शामिल है। नंबर 2 चिकित्सा उपयोग,
नई प्रकार की दवाइयों का संश्लेषण, रोगों को पहचानने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज का संश्लेषण, आनुवंशिक रोगों की पहचान आदि में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है 5 का ख। डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर? तो सबसे सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए में मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में थायमिन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल अनुपस्थित होता है, जबकि आरएनए में थायमिन क्षारक अनुपस्थित होता है और यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या दिया है, मनुष्य में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था, किंतु इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व श्रृंखला बी प्रोहार्मोन के रूप में बनती है। इस क्रिया में प्रोहार्मोन से पेप्टाइड सी को अलग किया जाता है। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 DNA अनुक्रमों को तैयार किया था। यह मानव इंसुलिन की श्रृंखला A2 व B2 के अनुरूप थे। इन श्रृंखला के जीन को इसर्चिया कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिन में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह इंसुलिन का फिगर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का घ। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, तो आप देख लीजिए, केवल नामांकित स्वच्छ चित्र आपके सामने है रहेगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्वच्छ नामांकित चित्र दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए 6वें का सोल्यूशन देखते हैं। मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेंडल ने वंशागत के कुछ नियम अपने प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रक्रियाओं की वंशानुगत होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधों का संकरण कराया। प्रथम संकरण के पौधों में सभी पौधे लंबे थे, जबकि दूसरी पीढ़ी में लंबे एवं 1/4 बौने पौधे थे। इससे मेंडल ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी लक्षण के विकल्प में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होती है। आइए क्वेश्चन 6वें का देखते हैं। निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए। समष्टि और समुदाय में अंतर, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर। लेकिन आप लोगों का जो दूसरा है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको समष्टि और समुदाय के बीच में अंतर पढ़ना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, समष्टि एक तरफ समुदाय। समष्टि में क्या होता है, समष्टि या आबादी एक ही जात के जीवों के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, असमष्टि या आबादी एक ही प्रकार के जीवों का स्थानीय संघ या समूह होता है। समुदाय में देखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं। अगला पॉइंट है, समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, जबकि समुदाय में अंतर जातीय संघर्ष होता है। अगला पॉइंट, समस्त अकेले जीवित नहीं रह सकती, समुदाय जीवित रह सकता है। समस्त संपूर्ण पारतंत्र को प्रदर्शित नहीं करती, जबकि समुदाय पारतंत्र को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 6 का घ। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में लिखिए। PCR जिसे बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे देखते हैं, एक्टोफोर्सिस द्वारा अलग किए गए जीन या DNA खंड को PCR विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती है। PCR का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, के अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इनविट्रो बनाने की विधि को खोज कैरी मुलस ने 1985 में की थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप है विकृतीकरण। जब इस DNA खंड को क्या किया जाएगा, 100°C तक क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो DNA का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाएगा तो DNA में क्या हो जाएगा, विकृतीकरण आ जाएगी।
फिर क्या करेंगे, इसको पुनः 60 अंश सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब दोनों डीएनए के खंड अलग हो जाते हैं तो इसमें प्राइमर डालते हैं, और जब प्राइमर डालते हैं तो दोनों स्ट्रैंड जुड़ते नहीं हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हाँ इस सेक्शन आप प्राइमर AGTC डालते हैं, क्योंकि डीएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और जब इसको हम डालते हैं तो एडनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। जब दोनों प्राइमरों पर क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आइए छठवें का घन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर एक है बहुभ्रूणता, नंबर दूसरा है फल निर्माण। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। बहुभ्रूणता, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। सिट्रस नींबू पौधों में यह एक सामान्य घटना है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनियन लीवेनहॉग ने 1791 ईस्वी में संतरे में की थी। अगला है आपका फल का निर्माण। निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनने वाली संरचना को फल कहते हैं। फल वास्तव में परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। फल भित्ति को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य फल भित्त, मध्य फल भित्त और अंतः फल भित्त। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।